की सरकार भी चाहती है कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि जब इलाहाबाद में ज्यादा प्यार हो जाता है तो कंपनी बाग, सरस्वती घाट सब पे नजर आने लगता है। तब योगी जी ने एक एक्ट लगाया, वो पढ़ती हूँ, वो क्या चाहते हैं सुने। जो प्रेम ख्वाब थे सभी वो ध्वस्त हो गए, जो प्रेम ख्वाब थे सभी वो ध्वस्त हो गए, सब प्यार करने वाले इनसे त्रस्त हो गए। और जब से एंटी रोमियो साहेब ने लगाया, जब से एंटी रोमियो साहेब ने लगाया, सब छोड़ के बजरंग बली के भक्त हो गए। सब बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दादा, ये बात मैं गलत नहीं कह रही हूँ, आप यहाँ पर हैं और आप शनिवार को बजरंग बली दर्शन कर आइएगा, वहाँ पर सबसे ज्यादा युवा ही जाते हैं। आइए एक गीत रखती हूँ सीधे सीधे, फिर अपना स्थान लेती हूँ, क्योंकि समय भी बहुत लंबा है और हमें दादा तक पहुँचना है। श्रृंगार का रखती हूँ, सुनिएगा। उसके पहले चार पंक्तियाँ भूमिका में की, रंगों भरी अमावस की रात होती है, रंगों भरी अमावस की रात होती है, वियोग में भी संयोग की बात होती है। रंगों भरी अमावस की रात होती है, वियोग में भी संयोग की बात होती है। अजीब सा होता है इश्क, अजीब सा होता है इश्क, यहाँ बिना बोले ही सारी बात होती है, यहाँ बिना बोले ही सारी बात होती है। और वो गीत रखती हूँ जो मेरा पढ़ने का मन है, देखती हूँ कहाँ तक आप तक पहुँच पाती हूँ, सुनिएगा। प्रेम की एक आग दिल में है जली जली। अच्छा ये अंतिम गीत है, चाहती हूँ अगर तालियों की ताल दे दे तो मुझे अच्छा लगेगा। प्रेम की एक आग दिल में है जली जली, प्रेम की एक आग दिल में है जली जली, दिल ढूंढ रहा है तुम्हें, हो दिल ढूंढ रहा है तुम्हें गली गली गली। प्रेम की एक आग दिल में है जली जली, दिल ढूंढ रहा है तुम्हें गली गली गली। और गीत का बंद रखती हूँ, सुनेगा क्या। बाम अंग मेरा कब से फड़क रहा, बाम अंग मेरा। नायिका को किस तरह से आभास होता है कि उसका प्रेमी आसपास है, सुनिएगा। बाम अंग मेरा कब से फड़क रहा, तुमसे मिलन के खातिर ये दिल धड़क रहा, कैसी सखी कैसी सखी ये प्रेम की हवा चली चली, कैसी सखी ये प्रेम की हवा चली चली, दिल ढूंढ रहा है तुम्हें गली गली गली। प्रेम की एक आग दिल में है जली जली, दिल ढूंढ रहा है तुम्हें गली गली गली। अरे बंद रखकर अपना स्थान लेती हूँ, सुनिएगा। अब ये प्रेम दूसरी तरह का है जो लॉकडाउन में सभी पतियों ने महसूस किया होगा, और यहाँ ज्यादातर पति ही बैठे हैं तो यही प्रेम यहाँ पर आप सब सुन पाएंगे। सुनिएगा कि जब लॉकडाउन लगा दादा, तो सारे जो बाहर नौकरी करते थे वो पति घर आ गए, और जब वो बाहर थे तो पत्नियां बड़ा प्रेम करती थी, घर आए तो प्रेम में परिवर्तन कैसे हो गया, क्योंकि पहले जब पति कहता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो पत्नी को बड़ा दुख होता था। आज की पत्नियां क्या जवाब देती है वो पढ़ती हूँ, अगर अच्छा लगे तो अब की तालियां बजा करके कवि सम्मेलन प्रारंभ कर दीजिएगा। तुझे जो मुझसे नहीं मोहब्बत, तुझे जो मुझसे नहीं मोहब्बत, कहाँ मैं तुझ पे ही मर रही हूँ। घर घर की कहानी है, सुने। तुझे जो मुझसे नहीं मोहब्बत, कहाँ मैं तुझ पे ही मर रही हूँ, और तू मेरे जख्मों को है बढ़ाता, तू मेरे जख्मों को है बढ़ाता, मैं तेरे जख्मों को गढ़ रही हूँ, और तू मुझको देखे जला सजाता,
मोहब्बत कहां मैं तुझ पे ही मर रही हूँ। और गीत का पहला बंद रखती हूँ, हमेशा लड़ाई का कारण वही होता जब पति पत्नी की बात नहीं मानता। सुनिएगा, तेरे प्यार की थी मैं दीवानी, तेरे प्यार की थी मैं दीवानी, और कहा कभी तूने मेरी मानी। तेरे प्यार की थी मैं दीवानी, कहा कभी तूने मेरी मानी। बना के लाया था मुझको रानी, बना के लाया था मुझको रानी, मैं नौकरानी सी लग रही हूँ तुझे जो मुझसे नहीं मोहब्बत, कहाँ मैं तुझ पे ही मर रही हूँ। और अक्सर जब ये इस तरह की तकरार होती है तो ऐसा लगता है कि अब रिश्ता खत्म हो जाएगा, तब वो पंक्तियां पढ़ती हूँ सुनिए, कि तेरा मेरा अब न साथ होगा, तेरा मेरा ध्यान चाहती हूँ मंच का भी सुनिए, तेरा मेरा अब न साथ होगा, और नहीं हमारा निबाह होगा, तेरा मेरा अब न साथ होगा, नहीं हमारा निबाह होगा, और तुम मुझको बिच्छू लगे कटहना, तुम मुझको बिच्छू लगे कटहना, मैं तुझको नागन सी लग रही हूँ तुम्हें जो मुझसे नहीं मोहब्बत। गीत का अंतिम बंद, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में रोज लड़ाई होती है और रोज सुलह होती पर कभी तलाक नहीं होता, वो इसकी प्राण पंक्तियां पढ़ती हूँ सुने, न सोए हम वो भी कसम मसाए, न सोए हम वो भी कसम मसाए, ओहो बात कैसे समझ न आए, न सोए हम वो भी कसम मसाए, हो बात कैसे समझ न आए, इधर मैं सांसें भर उधर वो सांसें भरे है लंबी, उधर वो सांसें भरे है लंबी, इधर मैं करवट बदल रही हूँ तुम्हें जो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्थान लेती हूँ चार पंक्तियां पढ़ के, कि जलाओ तुम दिए लेकिन तिमिर का ध्यान भी रखना, चढ़ो ऊपर तुम अंबर तक धरा का मान भी रखना, लहराओ तुम भले परचम हिमालय की शिखाओं तक, मगर माँ भारती की सभ्यता का सदा सम्मान तुम बनना।